बात इतनी सी है कि बातें बहुत हैं, बात इतनी सी है कि बातें बहुत हैं पर हमारी उनसे बात नहीं बनती, बात इतनी सी है कि बातें बहुत हैं पर हमारी उनसे बात नहीं बनती। जब भी हम उनसे मिलते हैं किसी भेंट स्थान पर, मैं उसकी नहीं सुनता, वो मेरी नहीं सुनती। तो दोस्तों, मेरा नाम ऋतिक जैन है और एक मर्तबा कुछ ये हुआ था कि मेरा मन बहुत बेबस हो गया था और उसी वक्त मेरे एक दोस्त ने मुझसे बोला कि कुछ नया सुनाओ। तो उस वक्त मैंने एक मुक्तक लिखा था, तो जो मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। तब तक जो मधुर भाषी न जाने आज कर्कश है, तब तक जो मधुर भाषी न जाने आज कर्कश है, कभी रहता है खुश मुझसे कभी रहता ये ना खुश है। करूं मैं और जो वर्णन तो मिलता एक परिवर्तन, रहा चंचल जो बचपन से वही तो आज बेबस है, रहा चंचल जो बचपन से वही तो आज बेबस है। दोस्तों, एक कविता सुना रहा हूँ, दोषी कौन, जिसका शीर्षक है। वैसे तो कई प्रश्न है उसमें, पर अगर ढूंढ लिया ना तो उत्तर भी हैं। एक देश जहाँ विरोध केवल असत्य का होता था, एक देश जहाँ राजा जो निर्णय ले वो अंतिम होता था, एक देश जिसकी माटी की पावनता पर कभी संदेह नहीं करते थे, एक देश जिसके गुणों के गुणगान पूरी दुनिया में होते थे, एक देश जहाँ विरोध केवल असत्य का होता था, एक देश जहाँ राजा जो निर्णय ले वो अंतिम होता था, एक देश जिसकी माटी की पावनता पर कभी संदेह नहीं करते थे, एक देश जिसके गुणों के गुणगान पूरी दुनिया में होते थे। आज उसी देश में असत्यता सत्य पर भारी है। राजा द्वारा उसकी प्रजा का गंदा शोषण जारी है। उंगलियां उठा रहे हैं वो जिसकी आंख भी न उठती थी और प्रजा के मन में संशय की ये लहरें भी न उठती थी। क्या हुआ ऐसा जो ये देश बदल गया? कौन आया और हमारे सिद्धांतों को बदल गया? अमल करोगे इस पर तो तुम दोषी ढूंढ निकालोगे, घर अच्छे से सोच लिया ना तो दोषी खुद को पाओगे। अरबों ने आक्रमण किया सल्तनत भी रही यहाँ। मुगलों ने भी माना कि हमारे जैसा देश कहाँ, सोने की इस चिड़िया पर साया गहरा छाया था। अंग्रेजों ने फूट डालकर अपना लोहा मनवाया था। पर मैं कैसे मानूं कि एक मुट्ठी भर रेत पूरे रेगिस्तान को निकल गई? कैसे समझाऊं खुद को कि एक चींटी हाथी को मसल गई? क्या यही वजह थी जो ये देश बदल गया? नापाक इरादों वाला गंदा सांप हमारे सिद्धांतों को निगल गया? आज के इन हालातों का कारण जब इन हुकूमतों को दिया जाता है, इन्हीं सवालों के जवाब पाने मेरा मन मचलाता है। राह है मुश्किल, कठिन समय है, पर देता कोई साथ नहीं। हर एक बात पे भारत बंद, क्या और कोई इलाज नहीं? काबिलियत की परख ना होती, साहब बने हैं आज नौकर। और सत्ता हासिल करते हैं ये बड़े बड़े लालच देकर। है वही बात और प्रश्न चिन्ह कि लालच में है आता कौन? है कर्मवीर और ज्ञानवीर, अब और रहेंगे कब तक मौन? है परिवर्तन अब आवश्यक, पर उसकी बात रखेगा कौन? हर बार रहे तुम वहाँ उपस्थित, अब तुम ही बताओ दोषी कौन? अमल करोगे इस पर तो तुम दोषी ढूंढ निकालोगे, घर अच्छे से सोच लिया ना तो दोषी खुद को पाओगे। थैंक यू गाइस।